तो अभी हम लोग है कास्ट प्लैटन के ऊपर। ये पूरे के पूरे बादल है जो कि पूरे कास्ट प्लैटन के ऊपर भरे हुए हैं। बहुत वक्त से मुझे इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट आ रही थी, वज्राए वाटरफॉल है तो उसके ऊपर एक उनको व्लॉग चाहिए था। काफी टाइम से प्लान कर रहा था लेकिन सडनली मेरे भाइयों का भी दिल हुआ कि चलो जाते हैं घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बना लेते हैं। कास्ट प्लैटन बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे सातारा में, तो यहाँ पर आना और जरूर एंजॉय करना। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अभी आगे कुछ तो खाने के लिए मिल जाए। बाय द वे 34 किलोमीटर या 40 किलोमीटर सातारा से कास्ट प्लैटन है और वहाँ से आगे थोड़ी देर पर कास लेक जो है तो वो वहाँ पर है और दिन वहाँ से आगे 11 या 12 किलोमीटर वहाँ से वज्राए वाटरफॉल है। तो अभी जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो एंड रॉक एंड रोल। ये मेरा बड़े भाई ये मेरे छोटे भाई नदीम चल ले गाड़ी, चलो जल्दी चलो। बारिश का मौसम यहाँ पर कंटिन्यू होता है तो इस वजह से हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, बैग के अंदर कैमरा डालेंगे और डायरेक्टली जाएंगे वज्राए वाटरफॉल पर। बाय कास लेक के वहाँ से 1 किलोमीटर के आगे आप लोगों को ये लेफ्ट साइड को, रोड के लेफ्ट साइड को ये क्या बोलते हैं इसको, जो कुछ भी हो ये दिखेगा। तो यहाँ से आगे आप लोग जा सकते हो। तो अगर टॉप व्यू अगर आप लोगों को देखना होगा वाटरफॉल का तो आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है तो अभी हम लोग यहाँ पर वड़ा पाव खाएंगे देसी स्टाइल में और यहाँ से हम लोग जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए। गर्म है ना मास्क। गर्म है नेता आज तो मालूम पड़ेगा शूटिंग करता है डिफिकल्ट है। Always in clouds, baby. ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना तो ये नीचे पॉइंट है, तो ऊपर पूरे बादल है। गर्म मोड़ा था थोड़ा पाव उसके बाद चाय के नहीं मजा किया लगा। गाइस अभी हम लोग एंटर करेंगे वज्राए के लिए। वैसे बारिश बहुत कम है तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अंदर जाने का। वैसे बैग को प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम हुई खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। कभी भी भागना मत, अगर भाग गए तो कुत्ते काट लेंगे। मेरे ऐसी जान यहाँ तक आ गई थी कि अभी खत्म वो कुत्ता काट लेगा क्योंकि वो फुल स्पीड में मेरे पास में आया ना। ऑलमोस्ट गए वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। दो गांव है खास लेक के वहाँ से, एक है 1 किलोमीटर के आसपास और वहाँ से आगे 5 किलोमीटर पर तांबी गांव है तो वहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो तांबी गांव से जो रूट है तो वाटरफॉल का जो एंड पॉइंट है जहाँ पर पानी गिर रहा है तो वो पॉइंट हम लोगों को तांबी गांव से देखने को मिलेगा, जहाँ से पानी गिर रहा है तो वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है लेकिन फिर भी बारिश यहाँ पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया था वेदर फोरकास्ट पर। फाइनली हम लोगों को उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिख गया है। ये छोटा सा वाटरफॉल दिखा जो कि यहाँ से गिर रहा है। एक मिनट, शायद भी इस पत्थर से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। ओ भाई, सो गाइस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटरफॉल वी आर लुकिंग फॉर। देख पा रहे हो आप लोग, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एग्जैक्टली उसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट तक जाऊं। काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा वहां पर जाना क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है हम लोगों को कवर करके वहां पर जाना होगा, लेकिन व्लॉगर अगर रिस्क नहीं लेगा तो उसमें फ़ायदा क्या है उस व्लॉगिंग का। तो मोस्ट एपिक सीन हम लोग वहां पर जाके शूट लेंगे। जैसे तैसे तो हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं, तो नज़दीक ही होगा वो वाला पॉइंट। इस पर से दिखा देता हूँ, वो व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू।
पहले तो हम लोग इसी वाटरफॉल को हम लोग वाटरफॉल समझ बैठे थे, लेकिन उसके साइड में है वो। पैनिक मत होना, ये छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा है, आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ से तेज आवाज़ आ रही है, और चलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। रिस्क में मज़ा है रे, यहाँ से ही जाएंगे। है मतलब चलने के लिए तो जगह है यहाँ पर, और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ से इस साइड से अंदर चला गया, और खामखा अगर मेरा ज़रा भी पैर अगर फिसल गया ना यहाँ से, तो सीधा वाटरफॉल के थ्रू नीचे। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि रिस्क मत लेना है ऐसी जगहों पर। तो फिलहाल गाइस मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ कि जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, और आप लोग बिल्कुल भी ये सब ट्राई मत करना। मैं फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों पर जगहों पर जाने का एक्सपीरियंस है। डोंट ट्राई दिस, बिल्कुल भी मत आना ऐसी जगहों पर, क्योंकि अगर यहाँ से अगर स्लिप हो गए तो भाई बचना नामुमकिन है। तो यहाँ से पानी ये नीचे गिर रहा है, और दिस इज द एंड पॉइंट डूड, एंड पॉइंट। ये जंगल के रास्ते गुजरते हुए इस वाटरफॉल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रास्ता आप लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर है एग्जैक्टली, और स्लिपरी होने की वजह से कोई रिस्क भी नहीं लेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लिया, और वी मेड इट कि हम लोग वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट तक जा पाए। यहाँ का स्पॉट क्लियर करके हम लोग जा रहे हैं 5 किलोमीटर दूर तांबी, जहाँ से हम लोग नीचे से वाटरफॉल को देखेंगे। स्टे ट्यून्ड डूड। ओके तो गाइज अभी फिलहाल तो हम लोग हैं बांभौली के अंदर। यहाँ से एग्जैक्टली 5-6 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जितने भी लोग हम लोगों को मिले, तो हम लोगों ने उनको टाइमिंग भी पूछा कि कितना टाइम लगेगा जो कि वहाँ से जाके आए हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, मतलब ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो जाना ही है, क्योंकि विदाउट शूटिंग लिए हम लोग यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते। तो अभी जाएंगे हम लोग, यहाँ से अंदर 5 किलोमीटर की दूरी है वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए, अगर आप लोग वाटरफॉल के एग्जैक्टली नीचे जाना चाहते हो तो। इसमें से बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी अपनी घसरकुंडी हो सकती है। दिस इज द सीन। इस सीन के लिए हम लोग इतनी रिस्क लेके, कैमरे को भीगा हुआ नहीं भीग रहा, कुछ नहीं सोचा, बस हम लोग यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग इस पॉइंट पर रुके थे गाइस, इस पॉइंट पर।
फिर भी जा रहे हैं हम लोग क्योंकि बहुत बुरी तरीके से नीचे गया था। अरे एग्जैक्टली रास्ता है किधर? फिलहाल तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये बहुत ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। तो भाई यो दिस इज़ द सीन जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आए हैं। और एग्जैक्टली ये कुछ बाहुबली के सीन की तरह ही है क्योंकि पहाड़ों के बीच में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और ये हमारे सामने से ऐसे गिरता हुआ नज़र आएगा। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा फटे हार्ड होगा हम लोग कैप्चर करने के लिए। अभी वहाँ पर जाएंगे तो चलो। मोस्ट रिस्की टास्क है यहाँ से जाना। ये केव है और यहाँ से हम लोगों को धीरे 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 चलते हुए हमारे रास्ते तक जाना है। ये वाटरफॉल है एग्जैक्टली यहाँ पर और पूरी तरीके से ये यहाँ से गिर रहा है नीचे। फर्स्ट स्टेप है इसकी और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उस साइड में पहुँच जाऊँ। अगर एक भी गाइस अगर एक भी पत्थर यहाँ से नीचे छूटा तो मैं सीधे नीचे जा सकता। नहीं, वहाँ पर अगर जाऊँगा तो सीधे नीचे चला जाऊँगा क्योंकि यह मेरे पीछे ही है वाटरफॉल। यह है द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वाटरफॉल। गाइस तो दिस इज द एंड और हम लोगों ने टारगेट पूरा हम लोगों का अचीव कर लिया है। जहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट स्टेप पर हम लोगों को जाना था तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एग्जैक्टली अभी मैं आप लोगों को सीन दिखा देता हूँ कि ये कितना रिस्की है क्योंकि यहाँ पर नीचे है खाई, पूरी तरीके से नीचे खाई है और बस यहाँ से पानी नीचे आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को हाईलाइट्स दिखाऊंगा। Let's go!